दे वॉज अ पॉइंट जब इसके जो एंगर एंगर इशूज एंड इसका थोड़ा यू नो इसके कैरेक्टर पर और बहुत दिखा रहे कि यू नो ही इज शार्ट एंड ही इज़ बींगज देट सो दैट स्टार्टेड गिविंग मी अ लिटल बिट ऑफ पैनिक कि वट इज़ हैपनिंग वाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट ही इज़ नॉट दिस पर्सन एंड वो पूरा सिनारी हो ना जब मैं अब मैं जब मैंने उसको देखा टी वी में मुझसे देखा नहीं गया इट वॉज़ वेरी इमोशनल आई फिर मैंने क्या किया है पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा रियलाइज हुआ है कि आई डोंड इट इन द होल दिस फॉर माई सेल्फ बट आई फील रॉन्ग फॉर हिस्स पार्ट हीनी थिंग मेरी मदर के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अगर मैं सामने बोलना चाहूँगा कि अगर ये नहीं होगी तो शायद मुझे मेरे लिए जीने का कोई मकसद रहेगा नहीं हाय, मैं हूँ चेतना पांडे और मैं हूँ निशांक स्वामी और हमने दिल से बात की है सिद्धार्थ कनन के साथ सो प्लीज सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल अभी 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 या नाउ कौन सी चीजें हाँ. थी जिसने आपके रिलेशनशिप को हिला दिया जेन्यूनली टेमटेशन आइलैंड में मुझे आई फील जब मैं अंदर गई थी ना सो आई न्यू दैट हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड uh, कुछ भी हो जाए हमारे पास फ्रेंडशिप भी है हमारे पास लव uh, भी है अंडरस्टैंडिंग भी है सब कुछ है सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है यू नो देर क्या होगा सो फर्स्ट टू वीक्स ना आई कैप्ट थकिंग वाई माई हेयर एंड एवरी वन सेड की प्रोसेस है यू हैव टू बी इन द प्रोसेस एंड यूल फाइंड आउट समथिंग कि आप जब दूर रहते हो तब आपको एक्चुअली एक दूसरे की uh, कमी का एहसास होता है आप रियलाइज़ करते हो कि जो दूसरा पार्टनर है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है सो जिस दिन हम पहले दिन बिछड़ रहे थे वीवर इन द विला आई वॉज इमोशनल आई वॉज क्राइंग मेरे आंसू भी आ रहे थे सो निशांक वज आई वॉज लुकिंग एट हिम हम लाइक यू आर गुडो बी अवे फ्रॉम मी फॉर फोर्टी टू डेज एंड यू आर नॉट इमोशनल ही सर नहीं हम लोग बस जा रहे हैं शो वो करेंगे सो so, इसका मानना ये था कि 42 टू डेज का हॉलीडे है यू गुडो बी देर आई बी देर हम चिल करके वापस आ जाएंगे सो दैट्स हाउ इट वॉज एंड आई वॉज लाइक इमोशनल ओके द जर्नी स्टार्टेड फर्स्ट एक्चुअली जो बॉर्नफायर्स होते थे ना वो बहुत क्रेजी होते थे इट वॉज़ लाइक आप दो डिफरेंट scenarios में रह रहे हो फिर आपको क्या चीज़ दिखा रहे हैं और आपको क्या चीज़ देख के हर्ट हो सकता है और फिर आपका कैसा माइंड सेट हो रहा है सो देर इज़ अ लॉट दैट गोल्स जब आप वो जर्नी जी रहे होते हो आपको उस समय समझ नहीं आता उस समय लगता है कि सब कुछ बड़ा हैप्पी और बड़ा अच्छा सा चल रहा है बट धीरे धीरे वट आई रियलाइज जब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई सी इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टिंग आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन ह्यूमन ही वॉज नॉट बीन एबल टू कनेक्ट विद एनी बडी बट देर वॉज़ अ पॉइंट जब इसके जो एंगर एंगर इशूज एंड इसका थोड़ा यू नो इसके कैरेक्टर पे और बहुत दिखा रहे हैं कि यू नो ही इज शारी इज़ बींग दज देट सो दैट स्टार्टड गिविंग मी अ लिटल बिट ऑफ पैनिक कि वट इज़ हैपनिंग वाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट ही इज़ नॉट दिस पर्सन सो क्या हुआ ना टूवर्ड्स दी एंड जो नेरेटिव मैंने अपने रिलेशनशिप का बताया था सबको आस पास

Uh, he literally teamed up with me, and we started just doing everything that you know I used to love. He became a director, and you know our life was going so right. We opened a production house; everything was just so perfect. So I was like, it's isse perfect life nahi ho sakti hai." बट मेन आई विन देयर ना दैन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग सबसे पहली चीज़ लड़की एक अच्छे रिलेशनशिप में है और सब कुछ सही है द फर्स्ट थिंग ओ शी मस्ट बी अ गोल्डर यू नो लाइक इस ये किसी लड़के के साथ है जिसके पास बहुत पैसा है एंड दैट्स हाउ इट इज तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स पीपल डोंट नो वट एक्चुअली गोल्स बिहाइंड यू नो दो लोगों ने कितनी मेहनत की है हाओ दे हैव रीच देयर सडनली ना लोग आपके सारे अचीवमेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं एंड दे टेल यू कि नो शी इज़ द गर्ल विद द गाय जस्ट फॉर मनी निशांक इज शी ही हैज़ मेड दिस वर्ल्ड फॉर हर एंड शी इज़ जस्ट देयर बिकॉज ऑफ दैट पीपल डोंट नो वॉट ऑल इट टेक्स टू यू नो मेक अ लाइफ लाइक दैट विच यू नो ही एज अ पार्टनर ही हैज वर्कड सो हार्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एवरी थिंग यू नो लाइक सो परफेक्ट अराउंड मी एंड देन यू नो वंस यू गो दैर आपको रियलाइज होता है कि यार आपकी हर चीज़ पर आपके एक परफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी उठने लग जाते हैं एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट यू डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट बट जब uh, आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जैसे इसका जो भी मैं कुछ देखती थी सो देन आई स्टार्ट एंगर कुछ भी देखती थी तो आई स्टार्टड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ला लाइक हाउ एवरी वन एल्स वॉज टेलिंग मी अराउंड कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है तो कहीं ना कहीं यू नो वहाँ पे आप थोड़े से यू नो आई मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट वहाँ के सराउंडिंग में काफ़ी मैनिपुलेशन सी वो आप मैं मान भी सकता हूँ इसमें एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि आप एक विला में हो मैंने अपने शो के अंदर मोनी और करण को कई बार बोला भी है कि जब आप एक विला में हो आपकी वो दुनिया है बिकॉज़ 45 डेज आप फ़ोन है नहीं कुछ है नहीं एंड इट्स इट्स एवरीवेयर कैमरा और आपको वो लाइफ जीनी आप सुबह उठ रहे हो वहीं खाना खा रहे हो वहीं रह रहे हो वहीं चिल कर रहे हो फिर वो कनेक्शन भी बना रहे हैं आप नहीं बनाना चाहो तो वो ज़बरदस्ती ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे जहाँ आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा मैं इसमें एक चीज़ मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा मेरे को एक्चुअली ये सब चीज़ें कोई हिला नहीं पाई एंड मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं इसमें बिल्कुल भी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसका क्या है ना इसने बहुत ही सच्चे मन से उसको अपनाया है और विच इज अ वेरी गुड थिंग इसने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है बट शी थॉट कि यार क्या है मतलब आ जाए कोई भी कास्ट करना, करना, करना है, करना है, करना करना है करना आप कनेक्ट कर दो बिकॉज सी आज की डेट में इसको कोई हरा आज रिलेशन में कोई नहीं हरा पाया ऐसा नहीं कि कोई लड़का इसकी जिंदगी में आ गया है ऐसा नहीं हुआ ऐसा हुआ है कि इसने मुझे एंड में बिकॉज मेरे एंगर को उन सब चीज़ों को इसने देखा इसने सोचा यार मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए गुस्सा मुझे वायलेंस वायलेंस नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए कि निशान किसी पे चिल्लाए मुझे नहीं चाहिए कि बदतमीजी से बात करें विच इज़ राइट अगर आपको आ, अपने पार्टनर में आज इसने शायद वो स्टैंड मेरा जो व्हेन आई हैव रियलाइज बिकॉज जहाँ जब मैं था जब इसने मुझे बोला था कि मतलब नहीं मैं तुम्हारे साथ वॉक नहीं करूँगी तो मुझे लाइक like, मुझे ऐसा था बिकॉज मैंने तो आज गिने थे घंटे गिन रहा था सेकेंड्स गिन रहा था मिलने के लिए बट जब मैं बाहर आया तो मैंने सच में रियलाइज़ किया कि यार अगर इसने ये डिसीज़न लिया है तो कहीं ना कहीं मुझे शायद करेक्ट करने के लिए यार तुम्हारा चिल्लाना ठीक है बाद में इसको पता चला कि मैंने किस वजह से चिल्लाया तो इसको अच्छा लगा बट वहाँ पे इसका डिसीज़न मुझे अब जाके करेक्ट इसलिए लग रहा है बिकॉज़ भैया उसको नहीं चाहिए उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाए किसी पर उसको नहीं चाहिए कि मेरी लाइफ में कोई लड़का हो जो इस कैरेक्टर में रहे तो आई थिंक वहाँ वो एक पॉइंट था और प्लस यू नो कि आप एक विला में हो सबके अलग अलग थॉट हैं एवरीबडी बॉन्ड। जब ये मुझे एक चीज और भी बताई थी कि जैसे ही उनको पता चला विला में जितने लोग हैं जैसे ही उनको पता चला कि ये अकेले वॉक करने वाली है सबके चेहरे पे स्माइल सबके देवर ऑल आपका रिश्ता होता है ना वो जब टूटता है या जब आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया जो होती है ना उनके लिए उनके लिए ड्रामा है उनके लिए मसाला है दे देल बी हैप्पी दे बी आई थिंक आज हम बहुत सारे ऐसे शोज़ देखते हैं हम तब जाके हुक होते हैं अच्छा लड़ाई चल रही है अच्छा इनके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाला है सो यू नो फॉर देम इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट बट आई फील जिसकी लाइफ होती है जैसे हमारे चार साल हम ग्यारह साल से दोस्त हैं और हमारे जो इमोशंस हैं यू नो आई जस्ट सडनली रियलाइज़ इट्स सो ईज़ी टू गिव अप इट्स सो ईजी टू लाइक से कि नहीं बट इट्स सो डिफिकल्ट टू लाइक यू नो होल्ड ऑन टू इट एंड कोई ऐसा हो जो आपको आपसे ये पूछे कि यार हुआ क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट आई जस्ट रियलाइज कि यार आपको खुद के रिश्ते के लिए और आपको खुद के प्यार के लिए स्टैंड लेना पड़ता है एंड आई फील इसने पूरे शो में आई थिंक टू वीक्स के बाद मैं थोड़ा सोलो ट्रिप में निकल गई थी आई स्टार्ट गोइंग ऑन अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ बिकॉज सम वेयर आई फेल्ट कि मैं कहीं पर फंस गई हूँ ना समाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं काम होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं दज़ अ सेचुरेशन पॉइंट जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना इट्स नॉट बिकॉज ऑफ़ योर पार्टनर डैट यू आर नॉट फीलिंग इमोशनल एंड आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो यू जे समेयर ब्लॉक योर सेल्फ ऑल्सो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप ख़ुद को कहीं ना कहीं खोने लगते हो सो फोर दैट आई थिंक आपको वो खुद ही फाइन करना पड़ता है सो आई थिंक मैं कहीं सोलो अपने आप को फाइन करने में चली गई थी एंड ही वॉज द अलोन पर्सन हु वॉज टेकिंग बोथ ऑफ आर रिलेशनशिप हैड आई फील यू नो मैन आई सॉ हिज जर्नी लाइक इससे पहले मुझे पता था ही लव्स मी बट आफ्टर सींग हिज जर्नी लाइक आई हैव रियलाइज एंड आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज हाउ मच ही लव्स मी एंड ही ऑल्सो डिन न्यू जब हम दूर हुए ना तब इसको भी रियलाइज़ हुआ कि

वेरी लेस आई सॉ पर मेरे दिमाग में ना एक नया निशान की ना एक प्रिस्पेक्ट एक इमेज बनती जा रही थी एंड आई वॉज लाइक देर इज अ लॉट दैट आई नीड टू फिक्स देर इज अ लॉट आई नीड टू टेल हिम हम दोनों के बारे में एंड इन दैट आई लाइक यू नो आई हैव टू टेल हिम तो मैं एक उसमें थी कि मुझे इसको मनवाना ही है एंड आई नो ही विल नॉट अग्री टू इट बिकॉज फॉर हिम इट्स अ बिग डील आई हैव गॉन विद हिम एंड आई वॉन्ट टू वॉक सोलो तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा सो जब हम मिले हैं आई रिमेंबर फॉर मी आज आई हैव टू बी स्ट्रांग एन आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड ऐसा लग रहा है मैं इससे लड़ने जा रही हूँ यू नो दैट फाइनल उसमें एंड वैन ही हैज़ हगड मी ऐसा लगा कि किसी कोई इंसान तड़पा है आपसे मिलने के लिए लाइक ही हैज़ हगड मी विद सो मच ऑफ लव ही वज शिवरिंग एंड इसने जो मुझे हक किया है ना मतलब आई के नॉट टेल यू इट फेल्ट लाइक कि ही हैज़ लिटरली काउंटेड सेकेंड्स टू मीट मी एंड वो पूरा सिनारी ना जब मैं अब मैं जब मैंने इसको देखा टी वी में मुझसे देखा नहीं गया वॉज वेरी इमोशनल आई फिर मैंने क्या किया है पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा रियलाइज हुआ है कि आई डों नो इट जिस डजेंट फील राइट आई डिड इट इन द होल दिस थिंग आई फेल्ट आई फेल्ट टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ बट आई फील वॉज रॉन्ग फॉर हिस पार्ट ही डेंट डू एनी थिंग he gave me the best life. he was the best boyfriend. he did everything best. but just because i wanted to find myself, i took some time out. but, you know, he didn't deserve it. i felt that. and i think the whole world felt it, you know, like the whole barmujaesa laga jobi kiya people have been with me. but the day that whole uh, decision came out, everybody, why did Chetna do this? she has the best boyfriend. he kiya and you know when i came out and i sat i'm like why did i do that i could have made him understand everything and i could have walked with him because he didn't do anything it was me it was my confusions it was my sometimes मुझे लगता है हम सारी जिंदगी प्यार ढूंढ रहे होते हैं फिर एक टाइम आता है जब हमें प्यार से विश्वास उठ जाता है तब हमारी लाइफ में फिर से प्यार आता है फिर भी हम ना कहीं ना कहीं उस प्यार को क्वेश्चन करते हैं क्या ये सही प्यार है क्या ये सही इंसान है इसकी द राइट पर्सन सो आई थिंक ना मैं कहीं ना कहीं वो प्यार सही है नहीं है कि उसमें इतना वो हो गई ना दैट आई थिंक एंड इट वॉज इन राइट फॉर यू नो आई स्टिल फील एक चीज़ मेरी लाइफ में मुझे लगता है नो no, यार आई डेंट डू गुड टू हेम इट वॉज इट वॉज नॉट राइट बिकॉज नेशनल टी वी पे टू हेयर दैट टू काइंड ऑफ फील ऑल ऑफ इट इट वॉज़ नॉट राइट बट यू नो वर् जब ये सब हुआ है उसके बाद भी शो का सब कुछ खत्म हो गया ही वॉज स्टिल वेटिंग आउटसाइड ही आई एम गोइंग टू टेक अ बैक विद मी कशी इज़ माई गोल आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपन्ड आई थाट ये मेरी शक्ल नहीं देखेगा ये मुझसे बात नहीं करेगा ये फिर भी बाहर खड़ा था ठीक है हो गया ना अभी घर चले दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज आई हैव समन हु नेवर गिव अप ऑन मी एंड ही इज़ अ कीपर ये ये अक्षय कहाँ आता है पूरे सारी सिचुएशन में नहीं हम आ, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं आता है और आ, वो एक जरिया था जिसने एक आ, मेरे ख्याल से खाली एक इसको मतलब वो जरिया भी नहीं था एक्चुअली मुझे मुझे तो वो भी नहीं कहना है बट क्या होता है ना कि आप जैसे मैं एक विला में मैं हम एक विला में थे ये अपने विला में थी आप एक सराउंडिंग्स होती है लोग होते हैं सबके अपने अपने नेचर होते हैं एंड आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंसान पता नहीं मुझे नहीं लगता कौन सब अपने हैं सब अच्छे हैं मैंने अपने पूरे शो में यही बोला है सब लड़कियों को बोला है मुझे बोलते थे कि आपको चूज़ करना पड़ेगा किसी एक को मैंने कहा सारी लड़कियाँ अच्छी हैं मैं किसी एक को चूज़ करूँगा बाकी की नहीं कर पाऊँगा तो मुझे तो मेरे पे काफ़ी जोक भी बने करण ने एक बनाया था मैंने कहा मैं दो के साथ चला जाऊँ क्या डेट पे तीन के साथ चला जाऊँ चार के साथ चला जाऊँ मैंने कहा भैया तू कुछ करे तो मैं मैं खुद साड़ी पहन लूँ ये <laughs> पूरा वायरल भी हुई थी वीडियो बट आई थिंक ये आप वो सराउंडिंग्स ही ऐसी है और, और ये एक तरीके का आई थिंक इट्स अ इट्स अ गुड डिसीज़न जिनके रिलेशनशिप में कुछ कमियां हों yeah. वो ज़रूर जाएं इस शो में बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है आपको एटलीस्ट एक दूसरे के you, बारे में चीजें पता think चलेंगी। लॉट अबाउट योरसेल्फ आल्सो जब आप किसी नए इंसान को मिलते हो तो आप नए इंसान को मिलते हो एक नए तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं एक नए सिरे से आप खुद को समझने लगते हो सो आई फील जो आ, उस विला में मेरे कनेक्शंस थे ना कहीं ना कहीं उन कनेक्शंस ने और उस जर्नी ने मुझे ये ज़रूर बताया कि

हम इसलिए गए ही नहीं कि हमारे लाए, हमारी लाइफ में कुछ कमी थी हाँ, हम एक्चुअली गए थे और हमें तो हमारे बीच में कोई कमी है ही नहीं जो जब हम एक्चुअली इंटरव्यू पे भी गए थे व्हेन वी टोल्ड देम अबाउट अ लव स्टोरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्मी लव स्टोरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एट ईयर्स लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वी कैन बी बॉय फ्रेंड सो ये लाइक हम दोनों कभी भी नहीं सो लिटरली इट वॉज लाइक दैट देन ऐसा सुनारी हुआ हम बिछड़े फिर हम वापस मिले सो इट वॉज ऑल्सो फिल्मी एंड एवरी थिंग वॉज सो परफेक्ट सो जब हमने इंटरव्यू भी दिया था लाइक यू गाइज यानी और रिलेशनशिप में तो कुछ है ही नहीं ओनली एक जगह पर कमी थी थोड़ा रोमांस तो so, जब हमारा इंटरव्यूज uh, भी हुए थे सो ही गेमीज हम टेन पॉइंट्स यानी मो ऑन रोमांस आई गिव यू फाइव सो हम क्या था ना हम सारी चीज़ें करने में इतने वो हो गए थे कहीं ना कहीं वो जो रोमांस का क्वेश्चन था कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेसिव रोमांस जो होता है वो शायद कहीं ना कहीं कही हमारे बीच में थोड़ा सा किसके साइड से कम था वो एक्सप्रेसिव रोमांस एक्चुअली ये ये तो बहुत एक्सप्रेस करता है कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ही वो आई हैड अ सर्टेन ब्लॉकेज सो वन आई डेड खतरों के खिलाड़ी सो आई केम बैक फ्रॉम देयर एंड आई एम वेरी कम्पेटिटिव सो उसके बाद क्या हुआ ना कहीं ना कहीं Uh, वो जो आधे उस मेरी जर्नी छूटी थी उसने मुझे कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली ना इट स्टार्टेड मेकिंग मी क्वाइट एंड आई वॉज इन माई ओन सेल्फ सो आई वॉज डीलिंग विद यू नो इतने सालों का स्ट्रगल एंड यू नो आप कोई चीज़ शिद्दत से करते हो फिर भी वो आपको नहीं होती है सो इन माई हेड दैट होल थिंग वज़ गोइंग ऑन कहीं ना कहीं मैंने खुद को ही एक्सप्रेसिव जो जितनी मुझे लगता है मैं हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने कम किया हुआ था एंड देन

हुस ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिसेगा इस वीडियो के नीचे अक्षय डिड यू है As uh, you know you meet someone, you have friendship with that person and you learn with that person throughout the journey. So starting say I was very clear like I started my conversation with him that you know I love him, I'm gonna go back with him and this is how it is. and we're gonna we gonna be a part of this journey. Let's see where it goes. but you know the where it, it where it goes in a sense,, we're gonna be in the end of this journey.

इट इज़ ऑलवेज वेरी मैजिकल द वे यू टॉक टू दैट पर्सन बिकॉज इनिशियली आप किसी से मिलते हो ना एक अलग आप बात करने में बिकॉज आप लोग किसी के बारे में जानते नहीं हो लाइक आईव रियलाइज वन थिंग कि मैं जो हूँ मैं किसी पर गुस्सा तब करती हूँ जब मैं उस इंसान को अपना मानती हूँ लाइक एवरी मॉर्निंग ही वेक्सम ना I I I I I mean, am 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 not going 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 to 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 be 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 angry with that person. I am going to be showing my my best best side because I I be this this G girl who is is in my best behavior. And this is what I also for me. अगर मैं किसी को डांट, किसी से ऐसे बिहेव हूँ, तो मैं उस इंसान को अपना मानती हूँ क्योंकि जिन, जिन को मैं मतलब जिन, जिन से मैं नहीं मिली हूँ never बी दैट पर्सन जिसने आपका गुस्सा देखा है जिसने आपका एक वो क्रेजी साइड देखा है ना वही इंसान आपको सही से समझ सकता है फिर जब इन्होंने ये कमेंट कही थी mm -hmm. कि आई वांट निशांत टू टू ट्रीट मी द वे अक्षय डज बुलेट लगा हार्ट में सच्चे दिल brother brother. दिल ब्रदर ब्रदर करेक्ट से निशानी <coughs> मैं एक्चुअली uh, मैंने शो के अंदर भी एक चीज़ बोली है बिकॉज हमें बॉन्फाई में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें दिखाई गई हैं एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं आ रहा है अभी बट समाउ सिमिलर चीज़ें दिखाई गई हैं जो uh, इन दोनों की इक्वेशन थी सो so, मैंने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी मैंने कहा मैंने बोला था कि करण चेतना को जब वो बाहर आएगी ना तब उसको पता चलेगा कि ये जो अंदर ऊपर के रूम से नीचे आके पेड़ से फूल तोड़ना और ऐसे करके जगाना और तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं वो फोर्टी फाइव डेज आपके पास यू हैव नथिंग टू डू मैंने कहा मैं एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ इसके सराउंड सो दैट जो इसको लाइफ में चाहिए मैं तो खैर लाइक मैं भी अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं भी एक अच्छा इंसान बन पाऊँ और आई थिंक कहीं ना कहीं इसने मुझे इतना अच्छा इंसान बना दिया है कि मैंने ये ठोक के बोला था कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसको अच्छी लग रही हैं ये जब बाहर आएंगे ना तो इन सब चीज़ों को ध्यान भी नहीं करेगी क्योंकि असलियत तो उसको पता चलेगी कि प्यार सच्चा है कहाँ तो और बिकॉज़ आप एक विला में हो आप विला में आप रोज़ उठ रहे हो रोज़ उठ रहे हो आप यू धीरे धीरे काइंड ऑफ यू फर्गेट एवरी थिंग देखिए मुझे मुझे गाने भूल गया था कि कौन से बाहर गाने हैं मैंने कौन से सुने मतलब मैं भी भूल गया था तो आप धीरे धीरे आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ में क्या था और आप नई चीज़ों को नई चीज़ हो। बोला भी था कि जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो ना सडनली आपका इस इन्वायरमेंट से पूरा वो कट जाता है और वहाँ पर जो चल रहा है ना सडनली

ही इज़ विथ मी जो ये मुझे यू नो लाइक एक वो देता है सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता बट द फैक्ट इज़ यू नो उस जो मेरा ये जो मेरा ये वर्ल्ड था वो सडनली वहाँ पे लोगों को ना रियल नहीं लगने लगा दिया लाइक like, ऐसा कैसे हो सकता है हाउ इज़ इट पॉसिबल आई एम लाइक नो ही हैज़ मेड दैट वर्ल्ड फूल मी आई स्टिल रिमेंबर जब कोविड चल रहा था आई फेल्ट आई हैव टू गो बैक बिकॉज क्या होगा अब यू नो लाइक वो बारह साल का स्ट्रगल लगा अब पता नहीं क्या होगा एंड देन आई मेट हिम एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट बिकॉज मेरे लिए ना मेरी लाइफ मेरा करियर मेरी ड्रीम्स शायद बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं अपने घर से लड़के आई थी देर इज़ माई पेरेंट्स वर लुकिंग एट मी ऑल द टाइम और मेरी वो जो लड़ाई है ना वो मेरे लिए सबसे प्रायर है आई ऑलवेज से दैट शायद मैं अपने प्यार को सेकेंड रख सकती हूँ लेकिन अपने करियर और जिस चीज़ के लिए मैंने तेरह साल दिए हैं ना मैं वहाँ नहीं हारना चाहती सो आई वॉज वेरी हार्ड ब्रोकन एंड आई एम मेटिम एंड इसने ना ऐसी मेरा uh, uh, मेरा ई e मेल लिया एंड uh, इसने मेरे पुराने ई e मेल्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड फ्रॉम देअर इन सिक्स मंथ्स ही मेड अ मार्केट फॉर मी हमने सोशल मीडिया स्टार्ट किया इस, इसने रीड किया कि आ, कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रॉम आई स्टिल रिमेंबर मेरा वन मिलियन हुआ था एंड फ्रॉम देयर आई नेवर हैड टू लुक बैक इस लड़के ने इतनी मेहनत की है मेरे ऊपर अपना सब कुछ छोड़ के एंड यू नो हम दोनों ने साथ में जो बिल्ड किया है जो आज लोगों को लगता है कि ओ दे लिव दिस लाइफ एंड यू नो ये तो सब निशान के पास पुराना पैसा है इसलिए करें नो no, हमने वो कोविड के टाइम से हमने हर दिन मेहनत की है टू रीच हेयर दैट वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस एंड आई कैन प्राउडली से कोई इंसान आपके लिए कुछ भी कर देना ये नॉर्मल रोमांस इज वेरी इजी लीविंग एवरी थिंग असाइड एंड जस्ट यू नो वर्किंग फॉर योर गर्ल्स ड्रीम हर किसी के बस की बात नहीं है जो इसने किया आई कैन प्राउडली से मुझे कोई बुलेट नहीं लगी बिकॉज uh, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि जब आप uh, मुझे पता है बिकॉज मैं थोड़ा मैं थोड़ा क्रिएटिव साइड से हूँ डायरेक्शन साइड से हूँ तो मुझे पता है कि यार वो चीज़ें अभी वो इन्वॉलमेंट है ऑब्वियसली उसको चीज़ें अच्छी लगेंगी और कुछ तो जवाब देगी मुझे करण भी पूछता रहता था यार ये तो मतलब बड़ा इमोशनल हो रही है मैंने कहा करण यार आप सामने एक बंदा रो रहा है मतलब ऑलमोस्ट बैगिंग मैंने देखी पूरी जर्नी जितना भी वॉल हर समय बोल रहा है कुछ कर रही बोल रही है वॉल है ये है नहीं हो सकता ये आई so थिंक ना मुझे थोड़ा सा वो लगा बिकॉज आई एफ मी न आई डोट वोट हर्ट एनी मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा वो है मुझे किसी को हर्ट नहीं करना एंड आई वॉज लाइक ओके नॉर्मली हम हम यू हैव टू मेक कनेक्शन एंड वेन आई स्टार्ट फीलिंग ना कि यार ये Thoda sa is on me ja that maybe someone's going to get hurt because of this situation and because of me then i started feeling very broken and i know in one of the bonfires i cried also what is happening you know i don't want to be in this situation because i'm feeling sad because of me this situation is happening then Karan is like you don't have to think like that you are here to analyze things about your relationship everyone has signed up for what they've signed up for you know

फॉर मी आई न्यून आई एम गोइंग टू गो बैक आई हैवे लाइफ आई हैव एवरी थिंग आई गॉट इमोशनली कनेक्टेड विद द होल जर्नी इट सेल्फ आई रिमेंबर जब हम जो विला में जब हम रह रहे थे यू नो एवरी बॉडी गॉट सो कनेक्टेड टू इच अदर लाइक लिटरली वैन इट वॉज ऑल गेटिंग अ पार्ट आई जस्ट फेल की आ रही इतने ब्यूटिफुल हमारे लिए हमने जो वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था वो बहुत ब्यूटीफुल था बट जब मैंने बाहर आके उस शो को पूरी तरह से देखा देन द सारियो वॉज डिफरेंट बिकॉज मैं लाइक लाइक अ ओपन बुक आई एम टेलिंग पीपल अबाउट माई लाइफ माई रिलेशनशिप एंड देन यू नो आई सी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ओ चेता इज सो इजी शी सो इजीली अवेलेबल आई मीन शी कैन गिव अस हाग इन टेन डेज शी इज़ बिहेविंग दिस दैट एंड दे वॉज ओनली वन पर्सन हु इज़ फाइटिंग फॉर मी सो आई रियलाइज़ जो मुझे एक रियल सिनेरियो लग रहा था इट वाज नॉट रियल द रियल पिक्चर वाज जो मुझे बाहर से दिख रही थी माय एवरी नाइसनेस वाज टेकिंग मी उसने कहीं आ, जो जो था, तो उसने कहीं ना कहीं एक बात बोली थी ना कि अक्षय। अक्षयटर सो कहीं ना कहीं आ, कहीं ना कहीं उसने एक बात बोली थी कि जो हक को मुझे पाने में 11 साल लग गए मुझे 10 दिन में मिल गया तो मैंने करण को एक बात भी बोली थी मैंने कहा चार बार और भी हद मिल जाएगा तो भी कुछ होने वाला नहीं बाहर आके वो उसको वैसे भी देखेगी नहीं ये शो के अंदर बोला था मैंने बाहर आके नहीं बोला शो के अंदर मैंने प्रॉपर ये बात करी है मैंने करण से सो so, आप मैंने प्रॉपरली बोला है कि उसी बात पर बोला है कि, कि भाई आप टेम्प्टर हो आपका काम टेम्प्ट करना है और आप लगे हुए हो मैनुपलेट करने में लगे हुए हो नहीं निशांग तो ये है तुम्हें डोमिनेट डोमिनेट डौ, कर रहा है तुम्हें ये कर रहा है नहीं अच्छी नहीं है वो तुम मुझे आके बोला उसने जब टेम्टर ने आके खड़ा होकर के मुझे बोल रहा है कि आ, ना तो वो तुम्हें कभी ऐसा जैसा प्यार मुझे किया है ना तो वो तुम्हें कभी कर पाएगी और ना वैसा कभी तुम्हारे साथ फ़ील कर पाएगी मतलब लाइफ में कभी फील ही नहीं कर पाएगी तो ये सब बातें आप आपको तो चांस मिला है कि आप आपकी प्रॉपर्टी नहीं है पहली बात तो वो वो एक शो का हिस्सा है आप उसको अपनी आप सोच रहे हो उसने एक हक़ दे दिया तो आपने बता नहीं उसको कौन सा लाइफ जीत ली आपने हक तो मतलब इसने अपने मैंने बोला ना मैंने इसके कितने मिलियन फैंस हैं और कितने मिलियन फैंस को इसने हक़ किया है ज़रूरी थोड़ी उनको घर पर बिठा लेंगे तो आपको अगर एक हक पे आपने अगर ये सोच लिया है कि वो बड़ी ईजी है तो वो सोच आपकी गलत है एक्चुअली मैं आपको कसम से एक बात बोलूँ निखिल अंदर एक आ, आ, वो था एंड मैं उसका नाम ही लेना चाहूँगा और किसी का मैं नाम नहीं लूँगा निखिल एक ऐसा लड़का था उस विला में जो इतना प्यारा था आज उसने इतनी रिस्पेक्टफुली बात करी है बिकॉज़ आपकी गल्... मतलब आप उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो आपका आपका हक नहीं है कि आप उसके बॉयफ्रेंड के सामने जस्ट बिकॉज आप एक शो में हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका तभी तो आप वर्ड्स पे खेल रहे हो ना मेरे से आप कुछ भी बोल रहे हो नहीं मैंने तो बहुत प्यार किया है और 22 दिन में मुझे हग मिल गया तुम्हें तो 11 साल लग गए थे हग मिलने में और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कोई सब मी

I started feeling very sad. I started feeling very emotionally drained. And in that point, I go to the bonfires and I see his anger and his stuff coming out. So you know, I lost my control. I'm like, what is happening? So I just wanted to escape from here. For me, the emotional draining started happening. In fact, it's a cold stare. आ, लोगों का कहना हा, है जिन्होंने देखा हा, कि, हा, कि हा। वो बड़ा वाला आ, कब की बात थी ये हमारे पे हाँ सो so मैं उसका आंसर आपको करता हूँ आई थिंक इट्स बहुत अच्छा भी होगा मैं uh, सब ऑडियंस को ये बताना भी चाहूँगा कि मेरी जर्नी को जिसने देखा है लिटरली यू नो फॉलो किया है आई थिंक वही मुझसे इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि मैंने घंटे सेकेंड गिने हैं आप लाइफ में मैं मुझे वो बोल रहे हैं कि आप किसी के साथ ब्लैंकेट शेयर करोगे तो मैंने कहा कर्न नहीं करूँगा इनके किसी आपने कहा आप किसी से बच्चे करोगे मैंने कहा नहीं करूँगा आप किसी को गर्लफ्रेंड देख रहे हो मैंने कहा नहीं करूँगा उसने क्यों मैंने कहा मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है उसके बाद कोई लाइफ में, में मेरी लड़की नहीं आ सकती वो है चेतना तो so, मैंने चेतना का पूरे शो में इतना नाम लिया है नॉट बिकॉज मैं प्लीज़ क्लियर, क्लियर करना चाहूँगा वो मेरी फीलिंग्स थी वो मेरा बिल्कुल भी वैसा फीलिंग नहीं थी तो जब आप घंटे सेकेंड गिनते हो ना और मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मेरे साथ ही वॉक करेगी और मेरे साथ ही जाएगी यू you नो know? आप आप मतलब चेतना एंड मी इज़ लाइक बिकॉज आई नो हर ग्यारह साल से ये मेरी दोस्त है मैंने कहा मेरा साथ तो छोड़ ही नहीं सकती ठीक है अगर इसको फीलिंग भी डेवलप हुई जो कि नहीं हो सकती लेकिन अगर बाय चांस हुई तो भी कहेगी भाई मैं इस शो से निशान के साथ जाऊंगी मैं देखूंगी बाद में क्या होगा तो आई वाज लाइक ठीक है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं एंड सडनली आप जो वहाँ जाते हो और मैं हक करता हूँ और उसके बाद मैं इसकी तरफ देखता हूँ इसकी मुझे इसके अंदर वो इमोशन नहीं दिखते कि आप फोर्टी टू डेज़ के बाद मिल रहे हो तो मेरे का वहाँ पे एक धक हुआ कि यार ये मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि ये मुझे नहीं पहचान पा रही है क्या हुआ ऐसा सो बैक ऑफ द माइंड आप क्या सोचोगे आप सोचोगे क्या कुछ मतलब क्या मुझे छोड़ देगी बिकॉज मैं तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा माई लाइफ तो विल बी एंड एक्चुअली मैं uh, मेरी मदर के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अगर मैं सामने बोलना चाहूँगा कि अगर ये नहीं होगी तो शायद मुझे मेरे लिए जीने का कोई मकसद रहेगा नहीं मतलब मैं हाँ हाँ, हाँ मतलब एक है ऐसी फीलिंग मतलब फॉर मी फॉर मी शी इज एवरी थिंग मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक आफ्टर हर मुझे नहीं लगेगा कि शायद देर इज एनी पॉइंट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड सोरी

बस यू नो आई जस्ट इट्स नॉट्रेट ऑल्सो बट आई जस्ट फील सो सैड दैट नो आई मेड हिम फील दैट आई थिंक आईवेज है उस पे बट आई नो क्या हुआ था मुझे कभी कभी यू नो आई एम स्टिल एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू गो बैक डिग इन वट है वाई डिड आई बिकम दैट जब मैं बॉर्नफायर में बैठी थी जब मैं निशान के साथ बैठी थी मुझे ऐसा था कि ही इज़ नॉ ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू मी बट आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड सो ये ना ऐसा हो गया था कि कहीं ना कहीं वो एक मैं अगेंस्ट आई वन से अगेंस्ट हो गई थी बट कहीं ना कहीं कही मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम मीटिंग अ न्यू पर्सन एंड दैट इज़ सो स्ट्रेंज लाइक यू नो फोर्टी टू डेज बींग अवे एंड यू जस्ट सींग द लिम्स ऑफ सर्टन थिंग्स आप उन चीज़ों को जोड़ रहे हो आप अपने प्यार के लिए लड़ भी रहे हो आप अपने प्यार से आप अपने प्यार को क्वेश्चन भी कर रहे हो आप अपने प्यार को एनालाइज भी कर रहे हो आपको पता है दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी आई वॉज शॉक्ड वैन सम ऑफ द पीपल आई न्यू फ्रॉम बिफोर अली एंड यू नो दे ब्रॉट अ डिफरेंट इक्वेशन अबाउट अ रिलेशनशिप आई वॉज शॉकड लाइक इफ गर्ल इज आपका क्या बैकग्राउंड है आप ये रियलाइज करती है कि ये जो बंदे ने कहा पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि यू नो वी डिस्कस दिस बट आई एम गेटिंग गोज बम्स कहा कि मेरी माँ के बाद अगर ये नहीं है तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है डोंट यू रियलाइज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन है जितना ये प्यार मुझसे करता है उतना कोई नहीं कर सकता कहीं जो नेशनल टी वी पर हुआ है लास्ट यू नो हमारे फिनाले में मुझे लगा था उसके बाद लाइक like, कोई भी लड़का वहाँ पर होता ना जो मतलब जो भी मेरा डिसीजन था एंड द वे आई फील ही हैड टू गो थ्रू सो मच ही वुड हैव जस्ट लेफ्ट बट ही वो स्टिल बाहर वेट कर रहा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा ये परसेप्शन कहाँ से आया कि ये कंट्रोलिंग है रिलेशनशिप में और आप सफोकेटेड फील करती हैं ये मैंने सुना हुआ है ऑनेस्टली मैंने शो नहीं देखा है बट ऑब्वियसली आई गॉट इट द डेप्थ इन माई वेज टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू टू द बेस्ट एंड आई कैन क्या आप कंट्रोलिंग है रिलेशनशिप में uh, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा वो लास्ट वाला बिकॉज वो रह गया था इसने स्टार्ट कर दिया था जी, जो please. देखने वाली बात थी सो so, बस मैं इतना वेट करके आया तो सडनली जब इसने नॉट um, साथ नहीं छोड़ा मेरा बट इसने बोला नहीं आई वॉक अलोन बिकॉज फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डिसीज़न कि यार अगर ये मेरे को छोड़ रही है एंड एंड फॉर वॉट रीज़न मतलब मैंने तो ऐसा कुछ ना तो किया है और इन लाइफ ऑल्सो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है सो so, वो सिर्फ मेरा ऐसा लुक था कि मतलब वो मेरा था, वो मेरा मेरा डेड डेड लुक लुक था था मैं yeah, इसको कोई हाम नहीं करना रहा वो लग रहा था 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 वो वो था, yeah. हाँ, वो, वो 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 लग लोगों कि कि वाला हार्मफुल हार्मफुल लुक लुक लोग डर गए मेरा डेड मतलब मैं मेरे अंदर जान And बची है कितना What, what वो था बाकी कोई इट वॉज हार्मलेस मतलब बिल्कुल भी मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी कोई माइंड में थॉट या ऑब्वियसली मैं इसको हाँ मतलब मैं तो इसको मतलब एक चोट भी नहीं पहुँचा सकता हूँ ऑब्वियसली लेकिन ये ऐसा

मैं हूँ ऐसा और मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करूँगा दुनिया के सामने कि मैं कोई छोटी सी भी गलती नहीं कर सकता हूँ जिससे कि ये मेरे से लाइफ से दूर हो जाए वो मैं नहीं कर सकता हूँ आई विल नॉट टेक दैट चांस तो वो मैं एज एन एल्डर ब्रदर अगर मैं कहूँ मैंने वापस वो लाइन पर जाऊँ जब मेरी मदर के बाद ये नहीं रही नहीं। तो मेरे जीने का फायदा नहीं है या मेरे जीने का मकसद कोई कोई रीजन रहेगा नहीं हाँ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट भाई ऐसा कभी सोचना भी मत मेरे भाई समझे आई नो वो तुम्हारे साथ होपफुली टच जिंदगी भर रहेगी बट खुदा ना खासा एक परसेंट भी ऐसा इधर उधर हो जाए ऐसा कभी सोचना नहीं भाई लाइफ कीप्स हैपनिंग टू अस हाँ मेरे दोस्त hmm. क्योंकि मुझे ये लाइन सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं ही हिल गया हूँ बट बस <laughs> ये याद इसका प्यार है ऐसा लाइक ही रियली लवस मी लाइक इट्स हार्ड टू फाइंड समवन जो आपसे इतना प्यार करे बहुत मुश्किल है 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 ये ये कंट्रोलिंग वाला जो एस्पेक्ट हाँ, आया है तो कहां से आया से एक्चुअली जैसे ये मैं मैं क्या नहीं मैं बताती हूं, मैंने मैंने क्योंकि में चीजें बताई ओके 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 तो आई थिंक जेन के साथ मेरी किसी बारे में व्हाट इज वन थिंग थोड़ा कभी कभी जैसे इसको हैंड क्लीनिंग एंड मैं अगर इसको बोल दूँ अच्छा मुझे ना अभी डाइट वाइट करना है तो ही बिकम वेरी एंड आई गिव हिम द राइट कि नाउ स्टॉप मी सो इवन इफ आई मीटिंग समथिंग जो कि थोड़ा एन है ही टेक अवे माई बाइट एंड देन ही विल बी वेरी आई टेल हिम टू कंट्रोल मी बिकॉज आई नीड दैट लाइक मेरे पापा भी जो है ना उनको पता है कि ये ये जो मैं हूँ ये इतनी आसानी से कंट्रोल uh, में नहीं आऊँगी सो यू हैव टू समटाइम्स बी अ लिटिल कंट्रोलिंग पर्सन इन माई लाइफ सो मैं ही इसको वो राइड देती हूँ कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा यू नो आई वॉन्ट टू बिकम फिट आई वॉन्ट डू दिस सो दैट्स वेन ही कंट्रोल्स मी सो दैन आई टोल्ड दैम कि हाँ वो कभी कभी मुझसे थोड़ा सा मुझे बोलता है ये करो वो करो तो मुझे थोड़ा सा लगता है कभी कभी बट अदरवाइज एवरी थिंग एल्स इज सो गुड सो आई थिंक वहाँ से ये जो सीड है ना इस चीज़ का वो वहाँ से आया था But आप कभी सफोकेटेड नहीं फील किए इस रिलेशनशिप में नेवर नेवर एवर आई थिंक ये भी एक पॉइंट आया था कि मैं तेरह साल से अकेले रही हूँ एंड निशांक हैज़ ऑलवेज स्टेड विद हिज फैमिली सो जब uh, खचों के बाद जब हम दोनों uh, वापस से सो ही लिटरली ही वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑल हिज टाइम विद मी एंड मैंने क्या है ना मेरी लाइफ में मैंने हमेशा अलग अकेले में वो किया है सो so, जब हम साथ में रहने लग गए तो कभी कभी क्या होता है ना आप अपनी वो जो एक सोलो लाइफ होती है जब आप अपने तरीके से अपने आपको कोई ब्रश लाइक ही मुझे हमेशा रात को ब्रश करने को बोलता है सुबह ब्रश करने को बोलता है तो मैंने ये चीज़ भी वो की हाँ वो तो मुझे ब्रश से उठाते हैं कि ब्रश करो रात को ब्रश करो सो समटाइम्स यू नो यू फील नहीं यार आज मूड नहीं है आज नहीं करना तो कभी कभी आप एज अ पर्सन यू गेट अ लिटिल दैट कि मैंने इसको पूछा भी मैंने कहा वाई कहता बिकॉज आई वॉन्ट ग्रो ओल्ड विद यू एंड अगर तुम्हारे दाँत अभी से मैं ध्यान नहीं रखूँगा सो so, आगे जाके मुझे ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा मुझे ही डेंटिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा जैसे पता लगता है बाद में बड़ा एंड दिस दिस द द पॉइंट पॉइंट बिकॉज मैं मेर, मेरा क्या है मेरी मदर एक्चुअली मैं ये जो आया है ना मेरे अंदर ये मेरी माँ से आया है और मैं मतलब इतना थैंकफुल हूँ कि मेरी मदर ऐसी थी जिन्होंने मुझे इस तरीके का इंसान बना उन्होंने हमेशा से बोला है पैर धो के सोना है अगर आप कहीं बाहर से आए हो तो आप अपने सोने वाले बेड पे नहीं बैठ सकते हो ऑबियस यू कैन सिट इन लिविंग रूम आप कहीं भी बैठ सकते हो आप जिस पे सो रहे हो उस पे बाहर से आके उस कपड़ों में नहीं सो सकते हो सो so, मैं मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि मैंने इसको इस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला है बट किस चीज़ों पर ब्रश करने पर so, साफ सुथरे साफ सुथरे साफ़ सुथरे रहने से कि आप ब्रश करके सो सुबह उठना आप एक बीघा ब्र अपना उठी मस्ती कर रही है चिल विल कर रही है ब्रश भूल गई तो मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ मैंने कहा नहीं बाबा ब्रश करना अच्छा समटाइम यू डोंट फील लाइक ब्रशिंग अरे नहीं यार छोड़ो इसका है और विच इज़ नॉट विच ए वेरी क्यूट थिंग अच्छा कभी कभी पेस्ट लगाया और लगाया ऐसे ही रख दिया तो जब मैं मतलब उस पर कवर पे रख दिया तो कवर पे रखा होता तब तो रखा होता है आप एकदम से उठाते हो तो वो जाती है टिप करके वो पॉट में गिर जाती है तो वो इनिशियल मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है खुला छोड़ दिया क्रीम लगा अच्छा कई कई बार उन्होंने इसने सिरम लिया सब महंगे महंगे सिरम अपनी तो मैं मैं बेटी को भी बोलता हूँ यहाँ रात को दो बार ब्रश कर लो अच्छा है ठीक के लिए So, so, uh, उसका कैप बंद कर दो कई बार इसका इसका खुद के इतने महंगे महंगे सब पर, uh, पर्स होते हैं तो ये सिर्फ uh, सिरम्स खोला छोड़ दिया पूरा पर्स में हो गया वो साफ करने में लगे so वर that, ये know, है अदर देन दैट अदर देन दैट

टेक ऑफ मी उसने मेरे लिए एक पूरा यू नो लाइक यू नो एक पूरी वो बनाई हुई है ही इज लाइक एटेट फॉर माई वर्क उसको मेरा मैनेजर बना दिया ही इज लाइक अ मैनेजर ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर स्टाफ वो कहीं एक टेम्ट ने बोला है ना कि आप जो है आ, उसको आप उसकी लाइफ में एक असिस्टेंट और मैनेजर जैसे हो उसको मैनेजर नहीं चाहिए उसको प्यार चाहिए दिस तो, इज

मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चम्पर्स टी शर्ट ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे

एंड ही इज़ एग्जॉस्टेड सीइंगज स्टेट एंड ही इज़ ऑफकोर्स ही इज़ लाइक आप किसी की पूरी दुनिया उजड़ रही है यार वो इंसान तो तड़पेगा ही सो ही इज़ दैट होल यू नो सिचुएशन सो वैन आई केम ह्योर तो मेरे मुँह से वो चीज़ निकली कि यू नो आई एम फीलिंग दिस होल सिचुएशन वट आई एम इन राइट नाव दिस इज़ वेरी टॉक्सिक आई एम फीलिंग

आपके मुंह से जो निकल रहा है मुझे नहीं वो सब कुछ डील करना था इट वॉज वेरी आई सिचुएशन थी वो अक्षय ने कहा था कि यू वॉक आउट विथ हिम और यू वॉक आउट अ लोन ही बी देर फॉर यू राइट आपको याद है वो उसने, उसने मुझे नहीं? एक दो बार्टी वेरी और इधर इट्स मी वॉकिंग अ लोन देर वॉज नवर दैर थर्ड ऑप्शन सो आई थिंक जब भी ये बात भी हुई सो आई कैन इग्नोर इट बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड माई हैड कि आई हैव टू बस्ट आउट दिस न्यूज टू हिम एंड यू नो वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था या yeah. आप अक्षय का नाम कभी लेते नहीं आप बार बार टिमटर टिमटर गई उस नाम से आ, आ, बिल्कुल भी नहीं और आ, आ, मैं एक्चुअली कोई कमेंट देना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज uh, मतलब क्या मतलब मैं जिस चीज़ को आई थिंक जो मेरे लिए वो सिर्फ एक शो का हिस्सा था उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं और एक्चुअली मैं मैं बहुत और और भी तो लोग हैं आज मैं निखिल का नाम ले रहा हूँ मैं और आई थिंक बाकी का आई एम एम वेरी सॉरी बट टू बी वेरी फ्रेंक मुझे लगा कि यार ये लोग रिस्पेक्टफुली बात करेंगे बट वो जो डिसरिस्पेक्टफुल आप किसी के किसी के बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो आप बता रहे हो मैंने 22 दिन में आप दो दस दिन में मेरे को हग मिल गया मेरे को तो इतनी जल्दी ये मिल गया मैं तो तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं है और तुम्हारे आ, 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 क्या कहते हैं 22 दिन में जितना मैंने प्यार दी जितना मैंने 22 दिन में दे दिया तुम्हारा 11 साल तो कुछ भी नहीं है उसके आगे ये सब वर्ड्स बोले हैं तो मैं उसको हेट करने के लिए भी नहीं है वो टू बी वेरी फाइन वो भी मैं उतनी भी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता येस येस हंड्रेड बिल्कुल भी मतलब ही स्टेम्प्ट इन द शो आपने अक्षय से बात की शो के बाद शो no. एक्चुअली जब मैं अंदर थी ना मेरे लिए वो दुनिया बहुत अलग थी मैं इनफैक्ट उसको भी बोलती थी निशांक इज़ से डायरेक्टर एंड हम बाहर मिलेंगे हम सब कुछ वो करेंगे कही न, कहीं ना कहीं यूज टू टेल मी कि नहीं एंड आई एम लाइक सेइंग दैट नहीं बट जब मैंने बाहर आके शो देखा एंड आई सॉ वे चीज़ें बोली गई हैं अबाउट मी दैट हाउ ईजी आई वॉज हाउ इजी आई वॉज टू लाइक इमोशनली you know, crack करना So I somewhere, you know, मतलब मेरे दिल से चीज़ें बिल्कुल उतर गई फिर और और एक, एक और बात भी थी कि मैंने एक बात बोली थी करण से मैंने कहा था कि वो लकी इनफ है कि जिस विला में चेतना पांडे रह रही है वहाँ पे उसको रहने का मौका मिला है और वो बात भी कर पा रहा है अदरवाइज़ बाहर तो ये बात भी मतलब अप्रोच में ही नहीं आएगी सो so, उसने कहीं नहीं उसने कहीं तो बोला था ऐसे बढ़ते-बढ़ते आ गया किसी के वाया वाया कि मैं घंटा नहीं जानता था चेतना पांडे कौन है तो आ, ये आप चाहे बाहर आके कितनी भी बातें कर लो आप शो में दिख रहा है आप कितने फिसले हुए हो और आप कितना मैन्यपुलेट कर रहे हो और आप कितने पीछे लगे हुए थे आपको पता ही नहीं थी चेतना पांडे कौन है तो ये प्लीज़ ये मेरे पे तो जाएगा नहीं और आई थिंक दुनिया पे भी नहीं जाएगा तो वो जानता था और सभी लोग जानते थे वो खाली आपको बनना है और आप जितना वैसे भी शो में यही होता ना कि आप कनेक्शन बनाओगे तो ज़्यादा दिखोगे तो आई थिंक दिखने के लिए जितना वो थोड़ा सा ओवर जितनी भी सारी चीज़ें थी वही दिख रहा था और कुछ तो था नहीं विकास गुप्ता और अब आप अच्छे दोस्त हैं अभी भी

He got busy in his life. I got busy But in I my think life. But I think because आप आप कुछ ये show भी कर रही थी उसका। हाँ, तो we would be laughing also. Because इसलिए आपको रोज also. मिलना, उसकी meetings हाँ, हैं, वो सब मिलते वो थे, creative में meetings में हैं। I think वो अपनी दुनिया में थोड़ा वो गया and I got more. बाकी ऐसा कोई problem नहीं है। Completely मतलब he's a gem of a person and obviously बिल्कुल भी कहीं ऐसी नहीं। Deviya घर वालों आप all okay now? Very much okay. I think I'm going to talk about her cocktail also. cocktail हाँ. One thing about her

How गिविंग शी is. वो hmm. बहुत इमोशनल लड़की है इनफैक्ट hmm. जब मैं उनको जानने लगा hmm. I मैं लव द गर् मैं आपको एक बात बताऊ मैं दिव्या को एक्चुअली इससे पहले जानता हूँ. दिव्या मेरी दोस्त थी बहुत स्टार्टिंग से बहुत पहले हम कुछ एक शो में कहीं तो कुछ एक शो था उसके कहीं ऑडिशन में या जब मैं एज अ मॉडल उस पर था बहुत पुरानी बात है दस बारह साल पुरानी सो so, बहुत प्यारी है एंड डे वन से मुझसे बहुत स्वीटली उसने बात करी है हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉग रही है ठीक है आप मैंने अभी वही बोला कि शो में कई के बार आप होता ना कि आई थिंक वो शो के बाद ही कुछ मिस एक्चुअली स्टार्टिंग थोड़ी सी खराब हुई थी हम जब बाहर निकले थे शो से द होल सिचुएशन एंड एवरीथिंग थिंग्स आई थिंक हम दोनों इतना बात नहीं करते थे बट लेकिन वन थिंग अबाउट हर दैट व्हेन शी अंडरस्टूड कि हमारे बीच में जो भी था इट वाज अ शो एंड नाउ लाइफ इज लाइक शी हर सेल्फ कॉल्ड मी एंड आई लव हर फॉर द फैक्ट कि उसने uh, अपनी तरफ से शी यू नो लाइक अपना पहला हाथ बढ़ाया एंड देन शी स्पोक टू मी बट एक्चुअली द पर्सन जिसकी वजह से ये हुआ था दैट पर्सन वॉज़ नॉट इन टच विद मी सो आई फील यार uh, मेरा तो दिव्या के साथ कनेक्ट जो है वो शो के बाद स्टार्ट हुआ मेरा उस शो में किसी और के साथ कनेक्ट था बट समाइम्स क्या होता है ना कि आपको रियलाइज़ होता है कि यार इस इंसान से तो कभी कुछ वो था ही नहीं एंड यू नो स्पेशली टू गर्ल्स एंड आई लव द वे ना उसके बाद से वी बोथ यू नो एंड हमारी बात हुई एंड आई आई एम रियली ग्लैड वी आर फ्रेंड्स

Beach वो पता यही होता है लोगों को ना हमेशा yeah. पता नहीं क्यों लाइक like, दो लोग दोस्त नहीं लगते लोगों को अगर आप बहुत साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो कुछ ना कुछ एक परसेप्शन uh, आता ही है बट विकास uh, और मैं मतलब वो देहरादून से और वो उसकी और मेरी दोस्ती बहुत पहले की है लाइक like, जब करण और मैं हम हम जब बॉम्बे आए थे तब से हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड आई थिंक आई हैव डन फ्यू वेरी गुड वर्क विद हिम लाइक

एंड आई हैव सीन हिम आई हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स ब्रेकिंग डाउन की यू नो दिस एंड हीज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन सो वो इमोशंस उसको इतना ओवरटेक कर देते हैं ना लाइफ में कि कहीं ना कहीं ही जिस काइंड लॉस्ड हिम सेल्फ इन चक्कर मेंज अब मुझे भी रियलाइज होता है जब मैं गई एंड आई एम लाइक टू पीपल एंड देयर रिलेशनशिप एवरी थिंग इज फाइन डिफरेंट डिफरेंट बातें जैसे अब अभी हम बात कर रहे थे एक अच्छा प्यारा लव स्टोरी का नैरेटिव जो दस लोगों ने सुना दस लोगों ने उसको अलग प्रस्पेक्टिव में लिया एंड देन सी वॉट केम आउट ऑफ इट बट लुक इन दिस वे इन योर रिलेशनशिप ये फायर आया है right? राइट आप आपनेडल किया है अब बाकी सब जो लाइफ में आएगा वो उस... सब <laughs> I I actually feel. Really, he, I'm glad it's happened earlier than right, later. Right. See, right. there is a tattoo. अच्छा क्या लिखा है? शीतना. शीतना. अभी बनाया क्या? Yeah, Amsterdam. How? And this nice. is Nishant. So this has happened after the Temptation Madness. I feel. कहीं ना कहीं ना वो जो प्यार था सब कुछ था पर वो like मेरी तरफ से भी I always believed in love and romance like in an extreme way. But मैं खुद ही उसको feel नहीं कर पा रही थी because there was a lot of ब्लॉकेज लॉर्ड ऑफ बैगेज फ्रॉम द पास्ट जो आपके साथ पहले हुआ होता है ना वो चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने एक्चुअल रिलेशनशिप में वो हंड्रेड परसेंट देने से रोकती है बड़े शो ने ये फायदा तो दिया है मुझे actually मैं इस शो से इतना खुश हूँ जब मैं अंदर था तो मैं बड़ा परेशान था बिकॉज मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मैंने कहा मैंने क्या साइन कर लिया मैं कहाँ आ गया हूँ कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ क्या कर रहे हैं किसको देख रहा हूँ कुछ मन भी नहीं कर रहा था मेरा मैंने एंड एंड में तो इन लड़कियों के साथ खाना खाना भी बंद कर दिया था जितने जितने भी विला में, में मेरे साथ थे मैं रूम में जाता था खाना लेके खाता था दे ऑल वेरी स्वीट आ, तो ये शो से मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है इसको पता चल गया है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ आई थिंक इन रियल लाइफ आप इतना प्यार दिखा नहीं सकते हो आप दिखा तो तभी सकते हो ना जब आप दूर से बिकॉज एक कैमरा आपको शूट कर रहा है आप कितना प्यार करते हो ये कोई शूट कर रहा है लेकिन ये देख दिखा नहीं पाओगे आप तो ये शो ने एटलीस्ट इसको ये बताया है कि भाई निशांग आपसे बहुत प्यार करता है और दूसरा चीज़ जब एडवर्सिटी <laughs> आती है तकलीफें आती है ना तभी लोगों की सच्चाई निकलती है यस yes and that's correct. when you end up realizing all this correct, right so you correct, needed situations correct. yeah. for that aapne ka past ka baggage tha kya past relationships tough the aapke yeah matlab yeah. all my relationships were like last one was literally i was the best person hota na bahut ek ek pyari girlfriend se realize हुआ कि यार जब आप इतने अच्छे सच्चे होते हो ना तो आपको वो वापस नहीं मिलता Then your partner cheats on you also, then दे इमोशनली या यू बीन इमोशनल चीटिंग के बाद दे ड्रैग यू ऑल्सो इन एट आप छोड़ भी नहीं सकते और आपको वो चीटिंग भी सहनी है बिकॉज देन दे आर क्राइम प्लीडिंग डोंट लीव विल बी अ चेंज्ड पर्सन गया सो जब वो सब आपके पास होते जब मैं इसको मिली थी तब मैंने लाइफ में एक्चुअली होप छोड़ दी थी कि अब मेरी लाइफ में वो फेरी टेल प्यार आएगा जो मुझे एक्चुअली चाहिए आई आई लिट्रली लॉस्ड हो सो so, मैंने ये भी बताया है उसका भी एक अलग नैरेटिव निकला था ओ शी डेंट हैड एनी ऑप्शन लेफ्ट इज विद हिम यू नो यू टेल थिंग्स टू पीपल एंड इज समथिंग दैट समझ वेन आई मेट दिस गाय इसने मुझे लिटरली दोबारा प्यार करना सिखाया है मैं एक्चुअली छोड़ चुकी थी मुझे था यार प्यार व्यार जाने से पहले मेरे ओके वी हैव लव वी आर इन लव दैट्स इट बट वो जो प्यार को एक सोल uh, मिलता है ना जब आप दूर होते हो और आप जब दूर से उस इंसान को दिखाते हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो पास में रह के तो कोई भी गाना गा लो प्यार कर लो यू कैन मेक अट अब जब आप दूर हो जब वो इंसान आपके साथ नहीं है तो आप उसको कितना जिंदा रखते हो वो असली प्यार है जो इसने पूरे शो में दिखाया एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज इट नाउ लास्ट सेगमेंट सिटके का अंगार रेडी <laughs> अंगार बाबा। <laughs> विकास या बेटर फ्रेंड विकास क्या ज़हन में आता है जब आपके दिमाग में मैं ये बोलता हूँ नाम निधि और मोहक सी निधि मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मिला बट आई थिंक जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था विला में बिकॉज हम एक पहले गर्ल्स विला में गए थे तो उस टाइम पे वो बड़ा uh, मुझे उनका कैरेक्टर बहुत प्यारा सा लगा एंड देन जब मैं मोहक से uh, मिला तो विला में मेरा इन जो दोस्त था आई थिंक मोहक की वजह से ही मैं सर्वाइव भी कर पाया अदरवाइज़ मैं पूरा लॉस्ट हो गया था कि मैं बिकॉज आई वॉज ओनली मिसिंग चेतना सो so एक मोहक था जिसने मुझे एक वो दिया है और आई थिंक वो ऐसा हुआ भी है शो में कि वो इन्फ्लुंस भी हुआ है उसने मुझसे बहुत बात भी करी है बिकॉज थर्ड बॉन्नफायर में मैं जैसे इसके लिए परेशान हो रहा था वहाँ से वो चेंज हो गया बिकॉज उसका उर्वी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और उसने जब मेरी जर्नी देखी और उसने बोला यार ये मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरी दुनिया लड़ दे रहा है बोल रहा है मुझे शो नहीं करना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए तो बस आप चेतना दे दो मैं जा रहा हूँ ये वो और मैं यहाँ दूसरे से कनेक्शन बना के पता नहीं कहाँ पहुँच रहा हूँ तो वहाँ से मूवमेंट था जहाँ वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो ये मोहक ने एक्सेप्ट भी किया है उसी नेक्स्ट डे उर्वी को बुला के लिविंग रूम में उसने मोहक ने उर्वी को बोला है कि आई थिंक मैं मैं निधि से ही प्यार करता हूँ

<laughs> 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 नहीं आ, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जब भी लड़की का मन करेगा तो कर लेंगे अगर लड़की ने हाँ बोला अभी तो कर हाँ, दोगे शादी। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई ग्यारह साल से रेडी है मैं नीचे गाड़ी के पीछे घोड़ा बांध के चलता हूँ सी मैं देखो तब पूछूंगा जब मुझे पता है कि आप हाँ बोलोगे बिकॉज नहीं तो आप क्या बोलोगे अभी मुझे ये करना है वो करना है तो मैं ऐसा आंसर करूँ मैं ना मुझे ना सु, सुनना मतलब मेरे लिए जैसे बोला था ना बॉन फायर में आपने छोड़ा तो कैसा हो गया था आई डोंट वॉन्ट दैट टू रिपीट अगेन सो मैं क्लियर करना चाहूँगा जब मुझे फील हो जाएगा कि आप uh, हाँ करोगे मैं उस दिन पूछूँगा हाँ करोगे क्या <laughs> तुम्हें तो डाउट है अभी भी नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हाँ तो ये करेगी बट अभी हो सकता है बोले एक साल बात करनी है तो मुझे चाहिए हाँ यस करनी है मैंने हाँ बोला तुरंत यस yes. तो मुझे पता है हाँ वैसे है लेकिन अब इसकी <laughs> करोगे क्या अगर हाँ पूछा इसने Obviously. <laughs> तुरंत शादी करोगी पूछ रहा हूं या <laughs> <Yeah. laughs> भाई पूरा तो क्लियर कर दिया मामला तेरे भाई ने भाई मैंने पूरा तेरे लिए क्लियर किया भाई इससे ज्यादा कुछ कर सकते नहीं 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 थैंक यू भाई। सब ये पूरा डायरेक्ट तुरंत बोल रही है ये तुरंत बोल, के। बोल के। अब तूने अगर डिले किया दिले तो मेरी मिस्टेक है तेरे को मैं पीछे मारूंगा व्हेन डू यू टेक द मूव दिस इज एज क्लियर इज इट गेट्स भाई थैंक यू भाई मच थैंक यू भाई सो मच तो